Werner Kuznet, जूरी। वैसे तो इस समय आपको पता है तकरीबन हर पंचायत में काम शुरू हो चुके हैं। मैं ब्रीफ सा आपको थोड़ा पहले बता दूंगा, बाकी डीसी साहब कहते हैं अपने हिसाब से बताने में वो खुशी में हम जवाब देते जाएंगे। 293 जिसमें से 183 स्कीमें पीएचई डिवीजन ने मंजूरी की है और 110 स्कीमें पीएचई डिवीजन मुशायरा की और इन 293 स्कीमों के आगे वेरिफिकेशन है। इनके 675 कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे ड्यूरबल हैं, ओएसपी हैं, डंपर हैं, पाइप नेटवर्क है, सोर्स एंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और ट्रैफिक सेंट्रीफ्यूगेशन प्लांट्स हैं। 675 के अगेंस्ट हमारे 672 काम अलॉट हो चुके हैं। हमारे जूरी डिवीजन में 130 बोर वेल्स थे जिसमें से 111 प्लांट्स हमारे जूरी डिवीजन के अंदर हैं। किस चीज का सर उसमें सबमिशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जेपीडीसीएल से हम लोग मेंटेनेंस से बात करेंगे। नहीं, आपने कभी बताया नहीं कि वो हमारा प्लांगर में काम चाह रहा है, प्लांगर बजाए तो मैं डेवोट हो जा रहा हूं। मेरे आपका नाम भी नहीं है तो वही ना तो बचा नहीं। हां तो मैंने जैसे कि तो हुआ है ना सर, नहीं नहीं डांगरी भी है, डांगरी के भी प्रोजेक्ट होंगे। इसीलिए तो ये मीटिंग बुलाई, ये डांगरी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स है ना, होंगे होंगे आप एक एक आदमी से पूछे। पूछने के लिए रह क्या गया, सब तो उन्होंने बोल दिया, जवाब क्या दिया उन्होंने। वो करने दें इनको, जो जैसे उसके बीच में जो इंटरनल काम है ना वो डिस्कस, हमें पूछे रहे ना कि ट्रांसफार्मर की जरूरत है, काम खंभे की जरूरत है, वो तो पूछने चाहिए, वो डिस्कस उनकी भी और जो नेक्स्ट भी आपसे मांगी वो सारी प्रायोरिटी इन इन कंसल्टेशन विद ए मीटिंग विद काउंसिल। हफ्ते 10 दिन में आप तैयारी कर ले, फिर आप एक दिन बैठेंगे, यहीं बैठ जाएंगे, यानी कि एक एक को उसमें टाइम आपको ज्यादा ना चाहिए, हम सब मेंबर्स को बुला लेंगे, यहीं बैठ जाएंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो इसमें से 25 में से 12 अभी पेंडिंग है जो अभी उन्होंने उनको भी और जो नेक्स्ट पेंडिंग है वो अभी वो डिस्कशन के बाद, सबको डिस्कशन के बाद पेंडिंग कौन कौन है, पेंडिंग कौन कौन है, इसमें जो 13 मरुखों से जो पेंडिंग कौन कौन है, पढ़ के सुनाया जनाब, वो हो गए ना वो पेंडिंग पेंडिंग वाले तो नहीं बताए इन्होंने बड़े, उसमें हम पता क्या करने वाले, उसमें हम ये करेंगे हर एक फर्स्ट मेंबर का फोटो बताएं, एक एक कहेंगे अपना एक एक फीडर, एक एक फीडर हर एक मेंबर को दे दें, बेटर वही रहेगा, और मेंबर से ताकि किसी का कोई गिला ना रहे, और मेंबर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रखे पहले, वो मेरा तो ये रहेगा, आप जो भी एक्शन साहब एससी साहब जो भी काम करें इन कंसल्टेशन विद पीआरआई और डीडीसी पीडीसी से, इनकी कंसल्टेशन के बगैर कोई भी काम ना करें ग्राउंड पे, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है और यही जो है इस वक्त यहाँ चल रहा है, तो लिहाजा इनके बगैर जो है इनकी कंसल्टेशन के बगैर कोई काम नहीं। सर नेक्स्ट मीटिंग में हम डिसाइड कर लेंगे, राइट राइट राइट, उसमें हम जो ओके करेंगे जो एमडी साहब की डायरेक्शन है कि जो फिल्टर करना है उसको कंप्लीट करना है, 100% ठीक है ना, वो तो अच्छी बात है, और जैसे धरहार सोन है ना सर, भाई साहब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमारे मेंबर हैं मतलब पंचायत में 19 एक है, नहीं 18 एक है और 14 ये बैठ के करने के लिए रशीद साहब, रशीद साहब ये आपकी जिम्मेदारी बन गई है, आपकी जिम्मेदारी खत्म है, इनको हम जनरल मीटिंग में बुलाएंगे, ये आप कम से कम ये तो इंश्योर करो कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें से 31 लोग
लोगों का एक एक प्रोजेक्ट तो चलाओ, कुछ में तो आपने दो दो तीन दिन चला दिए, कम से कम जो बाकी रेस्ट है उसमें से जैसे डांगरी का नाम नहीं लिया आपने, शेरी का नाम भी नहीं लिया, वो भी इंश्योर करो कि कम से कम वो भी स्टार्ट हो। ठीक है पूरी नजर रखें, क्योंकि किसी किसी जगह चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे बराबर कर देते हैं और किसी जगह जो है एक घंटा भी नहीं होती, इसमें सब जरूरी नजर रखें, क्योंकि बड़ी इस वक्त जो दिक्कत है गर्मी में बड़ी कटिंग होती है और वो उस जगह बहुत ज्यादा टावर की शॉर्टेज इस वक्त चल रही है। नहीं तुसी कोई शॉर्ट का भी नहीं करो, जानते हो इनकी खत्म आप की जरूरत है वहीं पे काम करो आपने। ये जनाब की एक आपने प्रोजेक्ट्स में प्रायोरिटी पे रखना, प्रायोरिटी रखना इधर मैनेजर साहब आप क्या कर रहे हैं, ये सिटी में ही शिकायत आ रही है, जो पोल गिरे हुए हैं उन्हीं पे तारे बिछाए जा रहे हैं, तो फिर क्या आर्गुमेंट है? आप क्या कर रहे हैं? हमारी डिस्ट्रिक्ट बड़ी पिछड़ी हुई है, आप एज ए एससी प्रोविंस में हमें सबसे प्रायोरिटी पे रखेंगे, री एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। देखिए वही मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मैं कहता हूं कि जीरो होगा काम जरूरी में चल रहा है आरटीएस का, मैं दावे से कहता हूं किसी भी सिटी में प्रोविंस के नहीं है, आप लोग उनका नंबर भी रख सकते हैं, इनके सब एनी कंप्लेंट व्हाई वी आर पेइंग देम, वही तो मैंने कहा आप ये दे देंगे इनसे नंबर लेके, जहाँ हमारी शिकायत होगी एट ए फर्स्ट हैंड हम इनको बता देंगे कि फलानी सिटी के अंदर देखे ना हो रहा है, सिटी के अंदर बड़ा अच्छा अंडरग्राउंड हो रही है, नहीं सर पोलों पे लग रही है लेकिन वही पोल गिरे हुए उन्हीं के ऊपर है, और पोल नहीं ना आर्गुमेंट कर रहे हैं अंडरग्राउंड के ऊपर, जब रोड पे आगे चल रहे हैं नहीं अंडरग्राउंड नहीं वो बड़ा नहीं सर कौन नहीं 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 नौशहरा में थे अब नौशहरा थे मीटिंग वो तो था लेकिन मैंने देखे पहली बार बड़ी बार बात होती है ये दो एक्सचेंज साहब मेरे पुराने दोस्त ने लेकिन इन्हों का काम जरा ना ये देखो पहले मैं दसो जे खंबे साल पहले मेरी एप्लीकेशन पर जो कैंप होया डीडीसी साहब का देखो डीसी साहब का एक डीसी साहब ने क्या एक मिनट भैन जी डीसी साहब ने क्या यार उसको बोलो एडब्ल्यू को यार देखो क्या मसला पतराड़े की बात कर रहा हूँ चलो उन्हें करो जी इसका एस्टिमेशन करो ये करो वैसे भी वो सैकी विलेज है तो ये डीडीसी साहब उसके नोडल अफसर है भाई मैं साल के बाद गया एमडी साहब के पास जनानियां औरतें लेके सरपंच पंच भी ले लिया होंगे सरपंच बेचारा प्रॉब्लम भाई एमडी साहब बोल रहे हैं जी हफ्ते में ट्रांसफर लग जाएगी तीन ट्रांसफर में मेरी पंचायत में मेरी दूसरी पंचायत में सतवाल की पंचायत में लग गए यार वो एमडी साहब ने बोला यार नहीं लगे यार जनाब एक घंटे मुझे बताओ यार वो कैसे लग गए और कौन सी कौन सी डायरेक्शन से लगे या तुझे टेंडर कराया अच्छा खंबे में सात साल हो गए मंगते सिर्फ पी डी डी के साथ बल्कि अभी हमारी दूसरी मीटिंग जो है वो महकमा जल शक्ति के साथ भी स्टार्ट होना है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी दो स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट्स में नहायत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है और पिछले दो साल में हमारी काउंसिल की अनथक मेहनत की वजह से मैंने दिल्ली तक जाके इन दो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी कोशिश की है। हमारी ऑनरेबल एलजी साहब के साथ बार बार बात होती रही है और आपको खुशी होगी ये जान के
कि आरडीएस की स्कीम हमने रजौरी में इस प्रोविंस में कम से कम सबसे पहले शुरू करवा दी है। आरडीएसएस और एक जेजीएम की जो स्कीम है ये हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी स्कीम्स हैं। आरडीएसएस की स्कीम में जहाँ भी कहीं तारें आपको नज़र आती हैं, नंगी तारें जिनको कहते हैं, उसको इंसुलेटेड तारों के साथ तब्दील कर दिया जाएगा। जहाँ भी कहीं ये पोल खंभे टूटे हुए हैं या दरख्तों पे तारें टांगी हुई हैं वो तमाम चेंज हो जाएंगी, नए पोल लगेंगे। और जहाँ भी आपको ये कोई 63 KVA का ट्रांसफार्मर है अपग्रेड हो जाएगा, 100 में 100 का है उससे ऊपर हो जाएगा, कोई भी ट्रांसफार्मर खस्ता हालत में है या लोड उठाने की कैपेसिटी उसकी नहीं है ज़्यादा या पुराना हो गया है, ये तमाम चीज़ें रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन इसको स्कीम कहते हैं, इसमें पूरा नया कर दिया जाएगा इस सिस्टम को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कीम को हमने स्टार्ट भी करवा दिया है। उसी निस्बत यहाँ पे कौंसिल ने आज महकमा JPDCL के SC साहब को और पुंछ से हमारे जो मेंटेनेंस के XCN हैं जिनके पास चार्ज है RDSS का और रजौरी के हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन के XCN हैं, इन तमाम ऑफिसरान के साथ और इस स्कीम के कॉन्ट्रैक्टर के साथ, इस स्कीम की मॉनिटरिंग एजेंसी के साथ हमने एक डिटेल मीटिंग की है और उनको बताया है कि जहाँ जहाँ मज़ीद ज़रूरत है वो PRIs के साथ डिस्कस करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा। और PRIs के साथ अगले हफ्ते दोबारा इस ज़िमन में मीटिंग होने वाली है। इसी के साथ जो दूसरी मीटिंग हम करने वाले हैं अभी आधे घंटे के बाद वो है महकमा जल शक्ति के साथ, जो JJM की स्कीम के मुतल्लिक होगा। ये आप समझ लें कि रजौरी के लिए ये एक बहुत बड़ी बहुत अहम स्कीम है JJM जल जीवन मिशन। हर घर में नल के ज़रिए जल पहुँचाने का गवर्नमेंट का ये जो वादा है वो इस स्कीम के ज़रिए पूरा होगा। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ गाँवों में ये स्कीम जो है इस पर काम चल रहा है, पाइपें बिछाई जा रही हैं, टैंक्स बन रहे हैं, कहीं सोर्स से पानी उठाया जा रहा है, कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए से उठाया जा रहा है। तो उस स्कीम को भी हमने यहाँ पे आज दोबारा उसको हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे काम कैसे चल रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स है, कहाँ ठेकेदार की प्रॉब्लम है, कहाँ पर पानी जो है वो मिल नहीं रहा है, कहाँ पे लोगों की तरफ से प्रॉब्लम है, तमाम डिस्कस किया जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दो इंतहाई अहम जो स्कीमें हैं हमारी वो मिनो आन पूरी तरीके से हमारे ज़िला में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए ताकि जितना भी पैसा इसके लिए आया है वो गरीब से गरीब शख्स तक, लास्ट जो कोने में शख्स है उस तक भी इस स्कीम का फ़ायदा पहुँचना चाहिए। सर, जिस तरह नई दोनों स्कीमों की आपने बात की, अगर पहले हम करें जहाँ तक केबल जो बिछाई रही है शहर के अंदर, पुराने शहर के अंदर वही पुराने पोलों के ऊपर दोबारा खड़ी की जा रही हैं, जो पोल 70 साल पहले लगाए गए थे आज भी पोल लोगों के घरों के ऊपर लटके हुए पाए जा रहे हैं, उन पर दोबारा ये तारें बिछाई जा रही हैं। दूसरी तरफ JJM की जहाँ तक आप बात करें, कई सरपंच की तरफ से या लोगों की तरफ से ये शिकायतें आ रही हैं कि जो इनका जियोटैग सर्वे किया गया था वहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह पे ये बनाए जा रहे हैं, खास करके बुद्धर इलाके की अगर हम बात करें वहाँ से इस तरह की शिकायतें ज़्यादा सामने आ रही हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से आवाम से भी ये गुजारिश कर दूँ, मेरे पास भी ये शिकायत पहुँचती हैं कि लोग आके कहते हैं टैंक यहाँ पर बनना चाहिए, टेंकी यहाँ पर बननी चाहिए, दूसरी जगह बन रही है। मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी आवाम के साथ भी कि हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निकल बातें हैं। महकमा जानता है कि टेंकी कहाँ पे बनेगी तो जिसकी वजह से पाइपें लगने से घर घर में पानी पहुंच सकता है। महकमे को टेक्निकल हदायात के मुताबिक काम करने दीजिए। इसका तो ना तो किसी को, किसी की ज़मीन में टैंक बनने से ना तो किसी को मुआवजा मिलने वाला है, ना ही किसी को इसकी नौकरी लगने वाली है। तो इस लालच के मद्देनज़र कोई भी हमारा साथी ये ना कहे कि मेरी ज़मीन में टैंक बनाएं या दूसरी की में बनाएं। जहाँ महकमे को फिजिबिलिटी बेहतर लगती है, इसमें अल्टीट्यूड ग्रेविटी को देखना पड़ता है, जहाँ जिस महल्ले में ग्रेविटी के हिसाब से जो शख्स जो महकमा तय्यन करेगा वहाँ लग, हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि पाइप के ज़रिए हर घर में पानी ज़रूर जाना चाहिए। अगर किसी को ये शिकायत हो कि मेरे घर में पाइप के ज़रिए पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है तो हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह मेरे पास आएँ, अपने कंसर्न DDC BDC मेंबर के पास जाएं, इस चीज़ का अजाला हम ज़रूर करेंगे, महकमे से हम पूछेंगे। तो ये हम आपको गारंटी देते हैं हमारी तरफ से कि हर घर में पाइप पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है और हम पहुंचा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब किस तरीके से महकमा ये काम कर रहा है उसमें हमें जाने की ज़रूरत है। सर, फार फ्लंग इलाकों की बात करें, जिस तरह से खवास ले लें तो दो दिन पहले जैसे बारिश हुई तो जितनी